खेसारी लाल यादव शूटिंग कर रहे हैं, वहां मरवा दीजिए उनको। एक यादव परिवार का लड़का, अगर मान लीजिए जिस दिन बात यादवों पे आ जाएगी उस दिन आपका क्या हाल होगा, उस दिन आप क्या करेंगे? और मुझे लगता है ना कि एक क्षत्रिय का धर्म कहीं से ये नहीं होता है कि एक ब्राह्मण परिवार को आप जबरदस्ती पकड़ के उसको शराब पिलाइए, उसका नंगा वीडियो बनाइए। अगर आप हमको मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा, अगर हम जिंदा रह गए तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे। और खेसारी लाल यादव के परिवार पे जिस दिन बात आई थी, जिस दिन उसकी बेटी पे गाना गया था, आप क्यों नहीं एक शब्द बोले थे? सबसे बड़ा चीज कि अगर हमारा संगे कुछ होता तो ओकर जिम्मेवार डायरेक्ट कौन भैया? आप है। कहां के क्षत्रिय के नियम है, एगो राजपूत के धर्म कहां के है कि कोनो एगो ब्राह्मण परिवार के, दो चीज पे आज बात करब, एक चीज कि एगो ब्राह्मण के आप पकड़ के और आप उसको 15 लोग मिल के शराब पिला रहे हैं, आप उसको नंगा करके वीडियो ले रहे हैं, वीडियो बनाए हैं, आप उससे जबरदस्ती बोलवा रहे हैं कि बोलो भोजपुरी का सलमान खान कौन है, आप किसी खेसारी लाल यादव को लोगों को आप डरा धमका रहे हैं कि मार देंगे, आप लोग बोल रहे हैं उनके जितने साथ काम करने वाले लोग हैं, कोई लिख रहा है जियो विशाल ब्रो तो पावर एहजे से शुरू होला। और मुझे लगता है ना कि एक क्षत्रिय का धर्म कहीं से ये नहीं होता है कि एक ब्राह्मण परिवार को आप जबरदस्ती पकड़ के उसको शराब पिलाइए, उसका नंगा वीडियो बनाइए। दादाशाही चलत का आप बोल रहे हैं सब लोग कि अखिलेश कश्यप तुम्हारा नंबर है, हम बोल रहे हैं कि हमारा नंबर है, हम चाह रहे हैं कि हम उस गली पे सारे गलियों पे वेलकम लिखवा दे, आप हमें मरवा दीजिए, आप मार दीजिएगा तो मार ही दीजिएगा, आप मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा। अगर हमको सबसे बड़ा चीज कि अगर हमारा संगे कुछ होता तो ओकर जिम्मेवार डायरेक्ट कौन भैया? आप है। दूसरी चीज है, आप हमको मरवाइएगा चाहे आप हमको मारिएगा तो आप मार ही दीजिएगा, अगर हम जिंदा हो गए हमारा हे पर कनपट्टी पर पिस्टलों दोनों ओर धरवा देब तब हमारा से जबरदस्ती ना बुलवा सके लोग। पहला चीज, अगर आप हमको मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा, अगर हम जिंदा रह गए तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे। ये हम चाह रहे हैं कि आप हमें मार दीजिए, आप हमारे साथ आके वैसा कर दीजिए, उसके बाद हमारे में अगर ताकत होगी, हम हमारा दुनिया के नहीं बोलेगा उतना हम कैपेबल बानी कि हमारा पे अगर आई तो हम अपने आप पे आ जाए, अपने आप पे आई तो बहुत लोग के दिक्कत हुई, सारा साम्राज्य उजड़ जाए, ना देरी लगी। एक ब्राह्मण के लिए आज मैं बोल रहा हूँ, आप हर बार किसी एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, आपके नजर में सिर्फ खेसारी लाल यादव गलत है, आपके परिवार पे बात आती है तो आपको बुरा लग जाता है, और खेसारी लाल यादव के परिवार पे जिस दिन बात आई थी, जिस दिन उसकी बेटी पे गाना गया था, आप क्यों नहीं एक शब्द बोले थे? आपको भी बोलना चाहिए था ना, हम लोग मारे थे आप तुरंत बक्सर पहुंच गए, बक्सर जाके आप क्या क्या किए वो तो हमारे गार्जियन है, उनसे मेरा घर का रिश्ता है, उनका मैं छोटा भाई हूं, भतीजा हूं, हम हाई ओजा जाके आप पैर भी कह देनी। एक यादव परिवार का लड़का, आप हर बार जातिवाद कार्ड खेलते हैं, अगर मान लीजिए जिस दिन बात यादवों पे आ जाएगी उस दिन आपका क्या हाल होगा, उस दिन आप क्या करेंगे? आप यही ना कि भोजपुरी में दंगा करवाना चाहते हैं, आप किसी को रूम में बंद कर रहे हैं, 15 लोग घेर के मार रहे हैं उसको, आप शराब पिला रहे हैं, उसका नंगा वीडियो बना रहे हैं और इस पे चुप रहे कोई? अरे आपको मारना ही था तो मार देते जान से, और हमें भी मरवा दीजिए आपके पास, क्योंकि आपके पास लोग हैं, हम भी बनारस जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आप घेरवा के मरवा दीजिएगा हमको, हम मरवाइएगा तो खत्म करवा दीजिएगा, या किसी भी, आपके पास तो बहुत सारा खोपड़ा है, आप लोगों के पास आप बहुत सारा दिमाग लगा के मरवा दीजिएगा। खेसारी लाल यादव शूटिंग कर रहे हैं, वहां मरवा दीजिए उनको, जितने भी हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार पनप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबको मरवा दीजिए, भोजपुरी में सबको बुलवा दीजिए, दरवा धमका दीजिए कि किसी को हमारे बारे में एक भी हमारे विरोध में वीडियो नहीं बनाना है, हमारे विपक्ष में हमारे कंपटीशन में नहीं रहना है, सिर्फ मेरा गाना बजेगा मैं गाऊंगा और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सुनेगी।